लगे हैं या नहीं लगे हैं। हम इस समय अंबेडकर नगर में यहाँ पर जो थाने हैं उनमें किन किन थानों में सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है और किन किन थानों में भी लगने बाकी हैं, हम ये यहाँ पे पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, मैं उनसे बात करूँगा और वो ये उनसे पूछेंगे कि यहाँ पे किन किन थानों में अभी सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं जो कंटिन्यू काम कर रहे हैं। सर, अभी अपने ज़िले अम्बेडकर नगर में कितने थानों में सीसीटीवी फुटेज लगा है और कितने में भी लगना बाकी है? जनपद में कुल 18 थाने हैं और इन 18 थानों में से 12 थानों में हमारे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। शेष 6 थानों के कैमरे जो है वो लगाने की प्रक्रिया अभी शुरू की गई है, जो इस हफ्ते के अंत तक जो है वो पूरी कर ली जाएगी और उसमें 11 कैमरे फंक्शनल हैं, एक कैमरा टेक्निकली अनफंक्शनल है जिसको ठीक करने के लिए टेक्नीशियन बुलाया गया है। अच्छा सर, प्रमुख चौराहों पे जो सीसीटीवी फुटेज लगाए गए हैं सुरक्षा कारणों से या फिर कोई घटना दुर्घटना होती उसको जल्दी से जल्दी पुलिस से ट्रेस कर सके, तो इस तरीके के जो चौराहे हैं वहाँ पे जो सीसीटीवी नहीं सही चल रहे हैं उसको लेकर के आपकी क्या तैयारी होगी और उस पर क्या करेंगे? ये प्रमुख मार्गों पर, चौराहों पर जो सीसीटीवी कैमरे स्थापित हैं वह एक कंट्रोल रूम के माध्यम से उनकी मॉनिटरिंग की जाती है और जैसे अकबरपुर कोतवाली के सामने तिराहे पर जो कैमरा लगा हुआ है उसमें कुछ रिकॉर्डिंग की समस्या है जिसके लिए टेक्नीशियन को सूचित किया गया है और उसे भी शीघ्र ठीक करा लिया जाएगा। अंबेडकर नगर जिले में लगभग थानों में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है कैमरे लगे हुए हैं, कुछ ऐसे थाने हैं जहां पर नहीं लगा है, वहां पर जल्द ही जो है सीसीटीवी लगाई जाएंगी, ये कप्तान साहब का कहना है। पंकज मिश्रा, ईटीवी भारत, अंबेडकर नगर।